हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ईशान मोबाइल गुरु पर। दोस्तों आज हमारे पास जियो का F211S मोबाइल है जो कि पूरी तरह से हैंग हो चुका है। हम कोई भी बटन प्रेस कर रहे हैं लेकिन ये रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको इसको हार्ड रीसेट करना होगा, लेकिन ये हार्ड रीसेट कैसे होगा आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल ईशान मोबाइल गुरु को और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले हम बैटरी को रिमूव करेंगे और बैटरी को रिमूव करने के बाद दोबारा से हम बैटरी को फ़ोन में डालेंगे और दोबारा से बैटरी को फ़ोन में डालने के बाद इसका मेन्यू बटन, ऑन ऑफ बटन और 8 नंबर के बटन को हम एक साथ प्रेस करेंगे। जब तक के हमको मेन्यू दिखाई नहीं देगा डिस्प्ले के अंदर, हम इन तीनों बटनों को एक साथ प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही हमको मेन्यू दिखाई देगा हम तीनों बटनों को रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे। अब दोस्तों डाउन बटन से हम वाइप डाटा फैक्ट्री सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही वाइप डाटा फैक्ट्री सेलेक्ट करेंगे, उसको सेलेक्ट करने के लिए हमको रेड बटन सेलेक्ट करने के बाद हमको रेड बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही हम रेड बटन को दबाएंगे तो यस और नो आएगा। यस और नो, हमें यस पे सेलेक्ट करके दोबारा से ऑन ऑफ बटन को दबाना पड़ेगा। जैसे ही हम ऑन ऑफ बटन को दबाएंगे तो हमारा फ़ोन रीसेट हो जाएगा। दोस्तों ये फ़ोन अब पूरी तरह से रीसेट हो चुका है। अब ये थोड़ी देर के बाद दोबारा से नया सेटअप मांगेगा क्योंकि इसमें जो पुरानी चीज़ें थी वो सब डिलीट हो चुकी हैं, ये फ्रेश हो चुका है। अब हम इसमें इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक्सेप्ट पे जाकर इस तरह से क्लिक करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पहले हैंग हो रहा था, कोई भी बटन इसका प्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अगर आपके पास कोई इस तरह का मोबाइल है, जियो का F211S या इसका कोई अदर मॉडल है, तो आपको आप भी इस तरह से हार्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।